Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, The Friendship. In today's video, we are going to start with the chapter number 6 of April Nula Frontex 4. सो एज़ यू ऑल नो हमने प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज कर ली थी चैप्टर नंबर फाइव की एंड उससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको उसकी एक्सप्लेनेशन दे दी थी इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर सिक्स को जो है बिगिन करने जा रहे हैं सो so, हमारा चैप्टर नंबर सिक्स है दे नोवेल द लेओ मीन्स न्यूज़ फ्रॉम लेओ मीन्स न्यू थिंग्स फ्रॉम लेओ जो एज वी ऑल नो कि अनिश की जो फैमिली है दे हैव गॉन टू ले फॉर अ वीक राइट सो इस चैप्टर में सम न्यू थिंग्स जैसे कि अगर आपका कोई फैमिली मेंबर जाता है कहीं पर जैसे कि मान लो वेकेशन पर गोवा गया है तो आप कहते हो ना कि कुछ नई खबर गोवा से तो दिस टाइप में इस चैप्टर का नाम ऐसे ही टाइप में है ठीक है चलो वी आर गोन स्टार्ट विद द रीडिंग ऑफ दिस चैप्टर शेर अनिश मींस डियर अनिश नू सोम आलियो सो आई एम सो सॉरी मैंने आपको कहा कि अनिश की फैमिली गई हुई है ले मैनुअल की जो फैमिली है वो गई हुई है लेर दैट सो डियर अनिश नू सो आ जूर ठीक है वी अराइव एट ले थ्री डेज अगो मो ओं एमो खुज सो वेन यू अल अगार मीन्स माई अंकल एंड माई कजन केम टू द स्टेशन leur maison est près de la basilique de fourvière means their house is near the basilica of fourvière so basilica of fourvière is this is my picture there belle église de notre-dame a the pelerinage means this is it is a beautiful church notre-dame church a place of pilgrimage Nous sommes déjà allés à l'église de Foix. Means, we have already gone to the church two times. On a visité le Musée des Beaux Arts avec sa magnifique collection de peintres et aussi le théâtre de Guignol. Means, we have visited the Museum of Beautiful Arts with the magnificent collection of paintings and also the theatre of Guignol. Chique?

Léon est une belle ville célèbre pour l'industrie de soie et la gastronomie. Means Leon is a beautiful city famous for the silk industry and gastronomie. C'est l'ancienne capitale de la Gaule. Means it is the ancient capital of Gaul. Hier, nous sommes allés dans un restaurant et nous avons mangé de beaux plats.

परचेज या बॉट सम पोस्ट कार्ड्स एंड समीज सुमेनीस का मतलब होता है हमारा मेमरीज ठीक है मर नेपावन्यू आ ओ म्यूजियम मीन्स माई सिस्टर डिड नॉट कम टू द म्यूजियम शीज एल रेस्टेड शेमो कुजन मी शीज रेस्टेड और स्टेड एट माई अंकल्स होम विद माई स्मॉल कजन नेक्स्ट hug Hugs or आई हग यू kisses. और यू कैन Manual. ठीक और यू so, ये लेटर मैनुअल ने लिखा था ही टोल्ड सम फैक्ट्स कुछ चीजें बताई उसने लेओ के बारे में यहां पर ठीक है ओके okay. अब बात करते हैं हम इसकी एक्सरसाइज की सो so, एक्सरसाइज में बेसिकली फर्स्ट क्वेश्चन मीन्स यहाँ पर आपको चूज करना है द करेक्ट आंसर फर्स्ट क्वेश्चन इट एज इन सो आरीवे आ लेओ मीन्स दे अराइव्ड इन ले अब यहाँ पर आपको कुछ डेट से रखी है अब आपको कैसे पता चलेगा वो कब आए हुए हैं so, सो अगर आप लोगों ने टेक्स्ट को ध्यान से समझा जो मैंने समझाया मैंने आपको बताया कि वो तीन दिन हो गए उनको आए हुए ठीक है सो so, क्या डेट थी 17 अक्टूबर तीन दिन हो गए तो तीन दिन पहले क्या होगा एक दिन पहले 16 फिर 15 एंड देन फिर 14 ठीक है सो so, मतलब वो 14 डेट को पहुँचे थे ठीक है तो दोस्तों अब अगर आप लोगों ने मेंटल अपना लॉजिक लगाया हो तो आपको समझ में आ गया होगा ठीक है सो द करेक्ट आंसर इज 14 अक्टूबर ठीक है ला बासिलिक द फोरवियार ए दी बासिलिक ऑफ फोरवियार So text ke according un lieu de pèlerinage. Au théâtre de Guignol, on joue means at the theatre of Guignol, we play we play des animations musicales. ticket au musée Manuel, au musée Manuel a acheté des cartes postales. second question, it says, "répondez au question, means we have to respond to this question. a qui Manuel écrit, qu'on sait il arrive à lyon? means to whom manuel is writing. when did they arrived in lyon? manuel écrit une lettre à Anish ami, aniche. ils ont arrivé à lyon le 14 octobre. किस किस के लाबासिलीक द फुर आर लबाक द फूर वी आर एजन बेल एग्लीज द दा नोथ दाम ठीक है क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर थ्री है बेसिकली सो द करेक्ट आंसर फॉर दीज आर सो वेन यू सेलेब्र म्यूजे प्रोशन ठीक है सो दे दीज आर द करेक्ट आंसर नेक्स्ट हमारा यू हैव टू चूज द करेक्ट अपोजिट फ्रॉम द टेक्स्ट लुअ द प्रे दाजोर देजा लाबा इसी दमा अवेक ठीक है अब आते हैं हमारे कुछ नेक्स्ट टॉपिक्स पर जो इस चैप्टर के अंदर है दैट इज ओ व्हील ओ व्हील मीन्स इन सिटी सो सिटी के अंदर देखो हमारे पास क्या क्या होता है एयरपोर्ट ऑफिस स्कूल हॉस्पिटल हाउस म्यूजियम थिएटर अपार्टमेंट ये सारी चीज़ें हमारी क्या होती हैं हमारी सिटी के अंदर और भी हैं जैसे कि सिनेमा चर्च होटल फार्मेसी रेस्टोरेंट, बैंक कॉलेज फैक्ट्री हाई स्कूल आ, बुक शॉप स्टेडियम यूनिवर्सिटी स्विमिंग पूल डिस्को आ, स्टेशन लाइब्रेरी मार्केट सॉरी बुक्स बुक स्टोर होता है हमारा लिब्रैर बिब्लियो तैकस लाइब्रेरी पोस्ट ऑफिस सुपर मार्केट सो ये सारी चीज़ हमारी एक सिटी के अंदर होती हैं राइट right? अब ये चीज़ हमारी हो गई अब चीज़ आती है हमारी ल पसे कॉम्पोजे आवेकल वैब एथ्र यू ऑल नो हमने पढ़ा था कि पसे कॉम्पोजे विद अवआर ठीक है ऐस वी ऑन लोम कैसे हमारा पास से फॉर्म होता है सब्जेक्ट लगता है सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट फिर एथ्र या देन दी पास्ट पार्टिसिपल जो पास से हम वर्ब का कन्वर्ट करते हैं पास्ट पार्टिसिपल ऑफ दी वर्ब देन दी ऑब्जेक्ट ठीक है हमने पता कर लिया था कि किस किस के साथ अवआर वर्ब यूज़ होगी इन द प्रीवियस चैप्टर अब बारी आती है एथ्र वर्ब के साथ कौन कौन सी चीज़ें जो हैं यूज होती कौन कौन सी वर्ब्स यूज होती हैं ठीक है सर्टेन वर्ब्स कुछ वर्ब्स हमारी होती हैं जो कि एत्र वर्ब के साथ उसका पास टेंस फॉर्म होता है ठीक है जो पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब जो कॉन्जुकेट होते हैं हमारी एत्र के साथ दे आर गोना एग्री विद द सब्जेक्ट इन जेंडर एंड नंबर ठीक है जैसे कि पास्ट पार्टिसिपल जो होगा वर्ब का द इन केस ऑफ एत्र वर्ब ओनली आई एम सेइंग सो दिस इज गोना एग्री विद द सब्जेक्ट ठीक है सब्जेक्ट का जेंडर क्या है उसका नंबर क्या है जैसे कि एडजेक्टिव होता है वैसे ही एथ्र वर्ब के केस में जो पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का होगा वो सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा ठीक है मोस्ट ऑफ दिस वर्ब्स जो भी मोस्ट वर्ब्स विच आर कॉन्जुकेटेड विद एथ्र दे आर इन ट्रांसेटिव ठीक है मीन्स दे डोंट हैव अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ठीक है उनका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता है ठीक है अब आप लोगों को आ, इसकी याद करने की क्या ट्रिक है सो मोस्ट ऑफ द वर्ब यूज़ इन दैट इज एथ्र इन द पासिकम्पोजिट वो हमारी क्या एक्सप्रेस करती है मूवमेंट एक्सप्रेस करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ठीक है सो so, एक हमारी ये है uh, एक्रोनियम है ये हमारा डॉक्टर मिस एंड मिसिज वेंडर ट्रैम्प ठीक है डॉक्टर एंड मिसेस वेंडर ट्रैम सो डी दे सोंद्र आर फॉर रोंथ्रे एम फॉर मोन्थे आर फॉर एस रेस्ते एस फॉर सोथी वी एन डी ई आर टी आर ए एम पी सो ये सारे हैं हमारी वर्ब्स जो कि एत्र वर्ब का यूज़ करती हैं एंड इन वर्ब्स का आपको लोगों को पास्ट पार्टिसिपल भी दे रखा है ठीक है अगर मैं बात करती हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल लेट मी से वनीर वर्ब को मेरे को पास्ट पार्टिसिपल में कॉन्जुकेट करना है सो एज यू ऑल नो वनीर का देखो पास्ट पार्टिसिपल क्या है वेन्यू ठीक है याद रखना क्या है वेन्यू वी एन वी ई एन यू ठीक है मैं क्या करूँगी वी आर गोना पुट ऑल द सब्जेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल फिर एत्र वर्ब की कॉन्जुकेशन जो भी इनके साथ एत्र वर्ब की कॉन्जुकेशन है फिर वो पुट करती मैंने ठीक है नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है वेन्यू वर्ब को मैंने कंजुकेट करना है सो वेन्यू 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 सबके साथ पुट कर दिया नेक्स्ट थिंग जो मैंने आप लोगों को बताई थी कि वर्ब सब्जेक्ट के नाउन नाउन के जेंडर और नंबर पर डिपेंड करेगी ठीक है सो so, इस वजह से य के साथ अगर वो नाउन य फेमिनिन है तो ई हमारा एड हो जाएगा इल के साथ सॉरी uh, एल uh, के साथ तो यही रहेगा क्योंकि मैस्कुलिन वो ऑलरेडी हमें पता है नेक्स्ट ट्यू के साथ ई e ऐड हो जाएगा अगर वेन्यू ट्यू uh, के केस में वेन्यू के साथ ई e ऐड हो जाएगा अगर वो फेमिलिन है ठीक है एल के साथ तो ई e रहेगा ही ठीक है नेक्स्ट अगर नू की हम बात करें नू में सारे के सारे अगर लड़के हैं तब हमारा वी ई एन यू एस लगेगा अगर सारे के सारे लड़कियां हैं सो वी ई एन यू ई एस लगेगा ठीक है इल जो वेन्यू इसके साथ तो एस लगेगा वू जेट वेन्यू अगर सेम केस वही है अगर वू के केस में बहुत अ, लड़का है लड़के हैं या लड़का ऑल्सो यू कैन से तो V -E -N, v -E -N -U -S लगेगा अगर लड़कियां हैं लड़कियां हैं तो वीई एन यूस लगेगा एल के केस में सेम ई एस रहेगा ठीक है एंड ऐसे ही हमारा नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव फॉर्म होगा जो कि हमें ऑलरेडी पता है ठीक है ओके कमिंग टू द नेक्स्ट यस जो हमारी वर्ब होती है पास से जब उसका मतलब होता है टू पास बाय अ प्लेस ठीक है क्या बता रही है वो मूवमेंट हमारी बता रही है तब हमारा एत्र वर्ब उसके साथ यूज होगी ठीक है बट अगर वो पास टाइम या पास एन ऑब्जेक्ट है टू पासिंग एन ऑब्जेक्ट टू या पास टाइम ठीक है पास द टाइम तब उसके साथ हमारा अवहार का जो है यूज होगा ठीक है लास्ट टॉपिक फॉर दिस चैप्टर इज ट्रांजिटिव एंड इन ट्रांजिटिव वर्ब अब कुछ वर्ब होती हैं जो कि कॉन्जुकेट होती है एथरे वर्ब के साथ पासे कॉम्पोजे में ठीक है दे कैन बी यूज ट्रांजिट ट्रांजिटिवली मीन्स दैट इज़ विद अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इंट्रांटिवली मतलब ट्रांसिटिवली भी एंड इंट्रांटिवली भी वो यूज़ हो सकती हैं ठीक है जब वो ट्रांजिटिवली यूज़ होती हैं वो वर्ब कॉन्जुकेट हमारी किसके साथ होती है अवहार के साथ एंड जब वो इंट्रांटिवली यूज़ होती हैं मीन्स विदाउट ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज़ होती है तब उनका एत्र वर्ब के साथ यूज़ होता है सो so ये हमारा मेन चीज़ है पता करने का कि वर्ब के साथ एथ्र लगेगा या अवर लगेगा अगर वो हमारी ट्रांज़िटिव है तो अववार लगेगी लगेगा इंट्रांजिटिव वर्ब है तो एत्र लगेगा ठीक है अब देखो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारा क्या है मोटो ला मोटो ठीक है बट बीच में हमारा सुर आ गया सुर आ गया तो क्या हो गया ऑब्जेक्ट जो है डायरेक्ट नहीं रहा सो so, इसलिए ये इन सेंटेंस हमारा कन्वर्ट हो गया एंड इस वजह से एंड इस वजह से हमारा यहाँ पर एथरेवर्ब का यूज़ हुआ है एंड यहाँ पर देखो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो डायरेक्ट है एंड ये ट्रांसलेटिव हमारा सेंटेंस है सो so इसलिए हमारा यहाँ पर अफवार यूज़ हुआ है ठीक है नेक्स्ट में देखो यहाँ पर भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसलिए एथरेवर्ब का यूज़ हुआ ऐसे ही आप पूरे के पूरे एग्जाम्पल देख सकते हो एंड इस इससे आपको जो है समझ में आ जाएगा अब आप लोगों को बहुत सारे लोगों को आई नो इस चैप्टर में डाउट आ रहा होगा एंड प्रीवियस चैप्टर में भी डाउट आ रहा होगा सो एक बार वीडियो को ना रिवाइंड करो एंड पूरी की पूरी एक बार दोबारा देखो अगर नहीं समझ में आया तो ठीक है मैंने बहुत अच्छे से बहुत अच्छे से मैंने आप लोगों को समझाया हिंदी में समझाया एंड वर्ड टू वर्ड समझाया है आप मेरे एक एक वर्ड को ध्यान से सुनो कि मैं बोल क्या रही हूँ देन यू आर गोना अंडरस्टैंड इट वेरी वेल ठीक है आप लोग एक बार इसकी एक्सरसाइज करने की ट्राई करना अगर आपसे नहीं हो तो एक बार मेरे को कमेंट में मैंशन uh, कर देना कि मैम ये नहीं हो रहा है uh, आप करवा दो एक्सरसाइज एंड आई एम गोना गिव यू द एक्सरसाइज एज वेल सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस चैप्टर वी आर गोना मीट इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन टेक केयर एंड बाय